नीट 2018 सुप्रीम कोर्ट ने उम्र में छूट वाली याचिका खारिज की। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए उम्र सीमा 25 साल करने पर लगाई गई थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट NET के लिए उम्र में छूट वाली याचिका खारिज कर दी। छात्रों के एक समूह ने यह याचिका दाखिल की थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE द्वारा नीट 2018 में बैठने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अधिकतम उम्र 25 साल तय किया था। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्रों ने CBSE के इस फैसले को चुनौती दी थी। नीट परीक्षा आयोजित करने वाली CBSE ने 9 फरवरी को दाखिले की अधिसूचना जारी की थी। नीट 2007 की तुलना में इस साल चयन प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव भी किया गया है। इस बार छात्रों की न्यूनतम उम्र सीमा 17 साल तय की गई है। उम्मीदवार की उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए या उसने 31 दिसंबर 2018 से कन पहले या उस दिन 17 साल की उम्र पूरी की हो। इसके अलावा सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष की गई है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग उम्मीदवार को 5 साल की छूट दी गई है। अगर आपको यह वीडियो सचमुच अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।